इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। फरीदाबाद में 3 इलाके माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित हुए हैं। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में एक हफ्ता के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर गरिमा मित्तल ने तीनों इलाकों को नोटिफाई किया है। धारा 144 के तहत जारी इन आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जोन एक में ESI सेक्टर 7 के साथ साथ सिविल डिस्पेंसरी सेक्टर के कवरेज क्षेत्र में आने वाले सेक्टर 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 और 15A क्षेत्र शामिल हैं। दूसरे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में PHC खेड़ा कला का कवरेज क्षेत्र शामिल है, जिसमें ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 78 और 89 शामिल हैं। तीसरे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में NIT 1 के से 5, जिसमें SGM नगर और सैनिक कॉलोनी के सेक्टर 48, 39 शामिल हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा IPC की धारा 188 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इसके तहत 4 या 4 से अधिक व्यक्ति के बगैर अनुमति के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। IT, ITES और कॉरपोरेट कंपनी के कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों में के कर्मचारी मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। इसके अलावा सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, एंटरटेनमेंट और अन्य गतिविधियां कंटेनमेंट जोन के से बाहर कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए ही आयोजित की जा सकेंगी। इसके लिए हॉल के अंदर सिर्फ 30 व्यक्ति और बाहर खुले में सिर्फ 50 व्यक्ति के आयोजन में शामिल होने की अनुमति होगी, जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।